नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। 1 अप्रैल से देश के 10 बड़े बैंकों का विलय, RBI की मंजूरी। पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की टेलीकॉम कंपनियों से अपील, प्रवासी श्रमिकों के लिए फ्री करे कॉल्स ताकि लॉकडाउन के बीच करीबियों से कर सके संपर्क। भारतीय सेना में एक डॉक्टर और एक जूनियर कमीशन अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि, क्वारंटाइन में भेजे गए संपर्क में आने वालों का पता लगाया। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 7 लाख के पार, 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में सामने आए 12 नए पॉजिटिव केस, कुल मामलों की संख्या बढ़कर 215, राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। लॉकडाउन के दौरान पीएम ने फिटनेस के लिए प्रोत्साहित किया, ट्विटर पर शेयर किया योगा का वीडियो, लोगों को स्वस्थ रहने की दी सलाह। लॉकडाउन बढ़ाने पर सरकार का कोई निर्णय नहीं, गृह मंत्रालय ने बताया अफवाह, अभी देश में 14 अप्रैल तक है लॉकडाउन। इंदौर में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 32 पर पहुंची, मध्य प्रदेश में सामने आए 8 नए केस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अगले 2 हफ्तों में सबसे ज्यादा हो सकता है मौत का आंकड़ा। लॉकडाउन में फंसे बिहार के लोग, असरुद्दीन ओवैसी ने साधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना, वीडियो शेयर कर पूछा इन्हें क्यों छोड़ दिया। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।